हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन। और ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन में दो टाइप हमको पढ़ना है, मेनली कोर टाइप और सेल टाइप। तो ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन डिटेल जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो हमारा कोर है ये किसका बना होता है। ये बना होता है आयरन ओर का, या फिर हम बोलते हैं सिलिकॉन स्टील कोर। ठीक, इसमें ये होता है प्राइमरी वाइंडिंग, ये होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। हालांकि मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग फिक्स नहीं होते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग के साथ अगर सप्लाई कनेक्टेड है तभी उसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे, और अगर वाइंडिंग के साथ लोड कनेक्टेड है तो उसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे। लेकिन लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग फिक्स्ड है। बट हमें पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो ये कोर है, और ये जो मैंने ऐसे ऐसे लाइन बनाए हैं ये है लेमिनेशंस। ठीक है, ये किस काम आता है, एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, आगे पता चलेगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में हमारे पास दो कॉइल होते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, और थिन लेमिनेटेड ये स्टील के कोर्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा, ये जो दोनों कॉइल्स हैं और ये जो मैग्नेटिक कोर है, ये तीनों का आपस में इंसुलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये तीनों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिकली कनेक्टेड है। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और मैग्नेटिक कोर, ये तीनों आपस में मैग्नेटिकली कनेक्टेड हैं बट इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट, टू कॉइल्स एंड मैग्नेटिक कोर्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। और ये पूरा जो असेंबली है ये किस में अंदर में रहता है, एक टैंक के अंदर में रहता है। उस टैंक के अंदर में हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, जिसका काम यह होता है कि इस ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रोवाइड करें। जैसे आपका बाइक में जो आपका इंजन है उसके अंदर में हम लोग डालते हैं इंजन ऑयल, तो वो इंजन ऑयल क्या करता है, आपके बाइक का जो इंजन है उसको वो कूलिंग प्रोवाइड करता है। वैसे ही ये ट्रांसफार्मर जो आपका कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, इसको हम लोग एक टैंक के अंदर डालते हैं, उसके अंदर होता है ट्रांसफार्मर ऑयल, जिसको मिनरल ऑयल भी बोलते हैं। तो इससे आपका ट्रांसफार्मर में कूलिंग में हेल्प मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कोर है वो किस टाइप का मटेरियल का होता है, तो कोर का होता है हाई परमिबिलिटी एंड लो हिस्टेरेसिस लॉस और मिनिमम एयर गैप। परमिबिलिटी का मतलब होता है जैसे कोई मैग्नेट कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, परमिबिलिटी से। परमीएबिलिटी, परमानेंट मैग्नेट का परमी और एबिलिटी, तो जितना वो परमानेंट मैग्नेटाइज हो सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं परमीबिलिटी। तो मैग्नेटिक कोर का परमीबिलिटी कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इसमें आयरन लॉस होता है, एक होता है आपका, आयरन लॉस के दो टाइप हैं, एक होता है आपका एडी करंट लॉस और एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस। तो ये जो कोर का है लो हिस्टेरेसिस लॉस भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो एडी करंट लॉस है उसको तो हम लोग ये लेमिनेटेड सीट से यूज़ करके उसको कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, बट हिस्टेरेसिस लॉस इसमें कम होना चाहिए। ठीक, और साथ में इन सिलिकॉन स्टील्स के बीच में एयर सीट्स के बीच में मिनिमम एयर गैप होना चाहिए। ठीक है, पांचवा पॉइंट, एडी करंट लॉस के लिए इस कोर को हम क्या करते हैं, लेमिनेशंस करते हैं यूजिंग वार्निश। फोर्थ है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन लेमिनेशंस के बीच का जो स्पेसिंग है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर आप लो फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हो। अगर 25 हर्ट्ज यूज़ कर रहे हो तो ये लेमिनेशंस का जो गैप है, थिकनेस है, वो कितना रखना पड़ेगा, 0.5 mm। अगर आप इसी को अगर 50 हर्ट्ज का यूज़ करोगे तो लेमिनेशन का जो थिकनेस है वो कितना रख सकते हो, 0.35 mm। यानी कि हायर फ्रिक्वेंसी के लिए आपको लेमिनेशंस का जो थिकनेस है वो आप कम रख सकते हो, बट लो फ्रिक्वेंसी के लिए आपको ज़्यादा थिकनेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब इन्हीं बेसिस पर हमारा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर है उसको दो टाइप से डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। पहला है कोर टाइप, सेकंड है आपका सेल टाइप। सेल टाइप को सैंडविच टाइप भी बोलते हैं। कोर टाइप में क्या होता है, ये हमारा मैग्नेटिक कोर है। इस कोर से नज़दीक में हम क्या रखते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग रखते हैं, और इस कोर से थोड़ा दूर में या लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर में हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को करते हैं। तो ये आपको मैंने यहाँ पे ऐसा दिख रहा है,
ये क्या शो हो रहा है कि हम कोर के ऊपर में लो वोल्टेज वाइंडिंग करेंगे और लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर में हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया कि वाइंडिंग्स एंड कोर्स आपस में क्या है, इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर यूजिंग वार्निश, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है और ना ही इस मैग्नेटिक कोर के बीच में। सेम वैसे ही यहाँ पे हम कोर के ऊपर में लो वोल्टेज वाइंडिंग रखेंगे और उसके ऊपर में हाई वोल्टेज वाइंडिंग रखेंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है क्योंकि हमको इंसुलेशन प्रोवाइड करना है। जितना ज़्यादा वोल्टेज आप यूज़ कर रहे हो उतना ज़्यादा आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग को अंदर रखते हैं क्योंकि उसमें हमको इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम ऊपर में रखते हैं या बाहर में रखते हैं क्योंकि वो एयर से भी कूल होते रहेगा और हाई वोल्टेज के कारण हम उसको कोर से दूर रखेंगे तो इंसुलेशन भी आपको कम जरूरत पड़ेगा। इसलिए नीचे में लो वोल्टेज, ऊपर में हाई वोल्टेज। अब कोर टाइप ट्रांसफार्मर में अगर आपका स्मॉल साइज का ट्रांसफार्मर है तो आप कोर को रेक्टेंगुलर कोर ले लीजिए और जो ऊपर का जो कॉइल है उसको आप रेक्टेंगुलर भी राउंड भी रख सकते हो, सर्कुलर सिलेंडर में भी रख सकते हो, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में भी रख सकते हो, मतलब ऐसा गोल में भी रख सकते हो और रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी रख सकते हो। बट अगर लार्ज साइज ट्रांसफार्मर है तो रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर में आपको सिर्फ सिलिंड्रिकल सर्कुलर सिलेंडर ही आप यूज़ कर पाओगे कॉइल का, आप उसको स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप नहीं यूज़ कर पाओगे, अदरवाइज आपको इंसुलेशन का दिक्कत जाएगा, ठीक। तो ये इस टाइप ऑफ जो ट्रांसफार्मर है इसमें जो फ्लक्स है वो कंटिन्यूसली इसी पाथ में फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर है यानी कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, अगर आप उसको देखोगे तो नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, इसमें हमने क्या किया है, हमने जो वाइंडिंग्स लिए हैं वो सैंडविच लिए हैं यानी कि एक के ऊपर एक लिए हैं। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग अभी भी आपको दिख रहा होगा कि कोर वाले जो पार्ट है उससे नज़दीक में है और हाई वोल्टेज वाला पार्ट बीच में है, तो उससे क्या होगा, आपको इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम लगेगी। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपका जो फ्लक्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक जो यहाँ फ्लो हो रहा है वो 5/2 है और एक जो यहाँ फ्लो हो रहा है वो 5/2 है, ठीक है। अब इसको सेल टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा लो वोल्टेज वाइंडिंग के नीचे फिर हाई वोल्टेज, फिर उसके नीचे हाई वोल्टेज, फिर उसके नीचे लो वोल्टेज, मतलब एक के ऊपर एक है जैसा सैंडविच होता है, इसीलिए इसका नाम सैंडविच टाइप ट्रांसफार्मर है या फिर सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और ये भी पहले के जैसे ही प्रॉपरली इंसुलेटेड होते हैं, ठीक। अब इसमें हम और अलग अलग टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर भी निकाल सकते हैं। जैसे परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारे दो ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर कहाँ होता है, जहाँ आपका सब स्टेशन है या स्विच यार्ड है वहाँ पे क्या होता है, आपका पावर ट्रांसफार्मर होता है। और एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो क्या करता है, मेनली जो वोल्टेज आ रहा है उसको स्टेप डाउन करके आपका कंटिन्यूसली क्या है, लोकल लिटी एरिया में आपका क्या होता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसका काम है डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका काम है पहले पावर को इंक्रीज करके, मतलब वोल्टेज को इंक्रीज करके सेंड करना। तो ये कहाँ पे लगेगा, ये जनरेटिंग एंड पे लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे लगेगा, आपके लोकेलिटी एरिया में लगेगा। तो पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। एक होता है बेस्ड ऑन कूलिंग, तो कूलिंग में भी दो तीन टाइप्स हैं, एक है ऑयल फील्ड लेकिन सेल्फ कूल्ड, सेकेंड है ऑयल फील्ड विथ वाटर कूलिंग सिस्टम, थर्ड है एयर ब्लास्ट टाइप। और बेस्ड ऑन वोल्टेज आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके अलावा और भी टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स हैं बट वो हमारे सिलेबस में इतना जानना जरूरी नहीं है। तो इतना मेन टाइप है, कोर टाइप, सेल टाइप, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, है ना, एयर फील्ड, वाटर कूल्ड, एयर फील्ड, सेल्फ कूल्ड और एयर ब्लास्ट टाइप, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का कंपैरिजन और फेजर डायग्राम 8 नो लोड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।